भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा इंदौर टेस्ट मैच अब टीम इंडिया की पकड़ में आता नजर आ रहा है और भारतीय टीम के इस बार एक बार फिर संकट मोचक बने हैं मयंक अग्रवाल। जी हां, आपको बता दें कि अपनी बल्लेबाजी से दुनिया का दिल जीत चुके मयंक अग्रवाल ने अपने करियर का तीसरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ जारी इंदौर टेस्ट में जड़ दिया है। मयंक अग्रवाल फिलहाल नाबाद हैं और बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने पहली पारी में 150 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 230 से ज्यादा रन बना चुकी है। मयंक अग्रवाल फिलहाल 118 रन बनाकर नाबाद हैं और अजिंक रहाणे भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी में 17 चौके और 1 छक्का जड़ा है। वहीं मयंक अग्रवाल ने बतौर ओपनर भारतीय टीम के लिए शानदार तरीके से बल्लेबाजी की है और अपने करियर का तीसरा शतक भी जड़ दिया है। मयंक अग्रवाल ने अब तक 8 टेस्ट मैचों में करीब 750 रन बनाए और उनकी औसत करीब 66 की रही है। मयंक अग्रवाल ने इस बीच दोहरा शतक भी जड़ा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 215 रनों की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी। ऐसे में मयंक अग्रवाल टीम इंडिया के संकट मोचक तो बने ही हैं, साथ ही बांग्लादेश के लिए अब मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से मयंक अग्रवाल और अजिंक्य रहाणे यहाँ पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाते हैं, क्योंकि इंदौर टेस्ट में भारत की पकड़ पूरे तरीके से मजबूत हो चुकी है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.